अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेक श्योर यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी कवर चैप्टर 8, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, बुक एक्सरसाइज एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पेज नंबर 179। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज डन। H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH, एसिडिक एसिड। बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, क्या वजह है? हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इट गिव्स 2H+ ion पर मॉलिक्यूल, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई एंड इट इज़ हाईली क्रोसिव। अच्छा, क्रोसिव क्या होता है हमारे पास? वो जो हमारे पास मेटल के ऊपर जो है ना वो लेयर बन जाती है कि इसको बचा सकें, एटमोसफेयर जैसे जंग लग जाता है तो उसको हम कहते हैं। अच्छा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है? नहीं, देखें H2SO4 में क्या होगा, एसिड है। एसिड क्या करता है? हमारे पास जो है ना वो दो थ्योरीज हैं। ब्रॉन्स्टर थ्योरी हमारे पास क्या कहती है कि आपके पास जो है ना वो एसिड जो है ना वो प्रोटॉन डोनर होता है, वो आपके पास जो है ना वो प्रोटॉन को दे देता है और जो लेता है वो हमारे पास बेस होता है। क्या है कि H2SO4 क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है? क्योंकि ये जो है ना वो हमारे पास 2 ions जो है ना पर मॉलिक्यूल देता है बेस को। H2SO4 आपको नजर आ रहा है तो ये SO4 बन जाता है और H2 जो है ना वो दे देता है बेस को, तो ये इसलिए स्ट्रॉन्गर है। और CH3COH में हमारे पास क्या होगा कि ये दे नहीं पाता, ये सिर्फ ऑप्शन ए ही दे पाता है। तो हमारे पास क्या है कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अच्छा, हमारे पास MCQ नंबर 2 है कि Al2O3 एम्पोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद। अच्छा, एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो उसमें ना हमारे पास क्या होता है, एसिड और बेस होता है। लाइक क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो ऑक्साइड, एम्पोटेरिक ऑक्साइड वही होता है जो रिएक्ट करता है दोनों से, एसिड से भी और बेस से भी। तो हमारे पास जो है ना जब भी ये आ जाए कि वो ऑक्साइड क्यों एम्पोटेरिक है, तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो है रिएक्ट करता है एसिड से भी और बेस से भी। MCQ नंबर 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। बफर क्या होता है? जो हमारे पास जो है ना वो रेंज ऑफ pH को चेंज नहीं होने देता, मतलब रिमेन्स इफेक्टिव। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी डाल के उसको कॉन्स्टेंट रखता है। तो कौन सा इसमें है जो बफर सॉल्यूशन नहीं है? सर, उसमें क्या होता है, बफर्स के ना 2 होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें ना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कौन से बोलते हैं हम, उसमें वीक एसिड यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और एक होता है बेस। मतलब देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग क्या करते हैं एसिडिक, एसिडिक बफर्स में क्या होता है, वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और एक होता है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक बफर जो है ना उसमें क्या होता है, वीक बेस लेते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल भी होती हैं कि वीक एसिड कौन सा है, CH3COH जो है ना वो वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस CH3COH है। तो ये क्या हुआ, ये बफर सॉल्यूशन हुआ। NH4OH जो है ना वो हमारे पास वीक बेस होता है और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो NH4Cl होता है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं OH किस में आता है, OH हमेशा आता है बेस में। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है हमें ये पूछ, हमें पता लगाना है। तो ये तो बफर सॉल्यूशन है, सही है, हमारे पास NH4OH और NH4Cl भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन है। तो हमारे पास हो गए कि ये बफर सॉल्यूशन है। अब दूसरे में हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी को ज़रा आप देखें, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और HCl आपको पता होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग का दोनों का कोई बफर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, मैंने कहा नहीं, स्ट्रॉन्ग कभी भी बफर सॉल्यूशन में कभी भी एक दोनों मतलब ये होगा कि एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, लेकिन इसमें दोनों कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है आपको ऐसे पता लगाना है, कहीं भी ये होगा कि दोनों स्ट्रॉन्ग दिए हुए होंगे, तो बस उससे पता लगाना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये दोनों ना स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रलाइजेशन ज़रूर कर सकते हैं और सॉल्ट ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन बफर सॉल्यूशन में इनका कोई काम नहीं है। अब हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि विच ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सका हो। तो ये आपकी बुक में ना एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि जो Al2O3 होता है, ZnO जो है वो हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर पाता है। बस 165 पे हमारे पास जो है ना वो दिया हुआ है कि ZnO और Al2O3 जो है वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड और बेस से। इन बॉर्डर लाइन होते हैं बिटवीन एसिड और बेस दोनों में, तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। अब हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एल्टर द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। कौन सा pH ऑफ सॉल्यूशन को एल्टर नहीं कर सकता? अच्छा, इसको आप इसको समझने के लिए जरा देखें, NH4Cl है,
ये जो है वो जब आयनाइज होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अच्छा एक सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन में हमने वाटर लिया सही, उसको हम जब वाटर में डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और एन एच फोर प्लस हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। एन टू सी ओ थ्री में भी क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। एम जी ओ एच में भी क्या होगा, ये बेस है। ओ एच का मतलब क्या है कि ये जो है वो हमारे पास बेस है, ठीक है। एन ए सी एल, एन ए सी एल क्या है, ये वाटर में वो तो होगा, डिसोसिएशन तो इसकी वाटर में होगी, लेकिन इसको पी एच को ये नहीं कर पाएगा, पी एच को कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है वो सॉल्ट है हमारे पास और एन ए सी एल की डिसोसिएशन सबसे कम होगी। ये हमारे पास यही एसिड है, ये क्या है हमारे पास जी बी बेस है, कार्बोनेट हमारे पास है, तो एन ए सी एल जो है ना वो हमारे पास एंटर नहीं करता पी एच और सोल्यूशन को, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी है। अब हमारे पास एम सी क्यू नंबर 6 है कि कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ एन एच थ्री एस। कॉन्जुगेटेड एसिड में हमारे पास क्या होता है, एक होता है एसिड और बेस का, जब हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जो हमारे पास बेस से बनता है, लाइक क्या हो एन एच थ्री क्या है, बेस है। एन एच थ्री में जब हम लोग जो है ना वो एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बेस और एसिड का, तो जो बेस में हमारे पास जो प्रोटॉन जो है वो ऐड होगा ना, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। ये हमारे पास जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। 167 का आप लोगों को बताया हुआ भी है कि कौन सी हमने H2S और NH3 का रिएक्शन करवाया है, ब्रोंसटेड एसिड है, ब्रोंसटेड बेस है, और हमारे पास जब है ना क्या है, ये हमारे पास प्रोटॉन जो है वो लूज कर गया और इसमें गेन कर लिया, मैंने 4S बन गया और ये SS बन गया, तो इसको कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे जो ब्रोंसटेड एसिड से बना है, और जो प्रोटॉन ले रहा है वो एसिड कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। ये आपको पूरी एग्जाम्पल भी दी है कॉमन एसिड और बेस पेयर की, तो ये भी आप लोग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसी को नंबर 7 है कि सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से कौन सा सॉल्ट हमारे पास बनता है, तो ये आप लोगों के पास सॉल्ट की 5-4 दी हुई है कि स्ट्रॉन्ग क्या सॉल्ट बनाता है, वीक और वीक क्या बनाता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाता है, या हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है। तो ये सॉल्ट की जो है ना वो एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं, बाकी मैं आपको समझा भी देती हूँ। नंबर आपको 167 पे दिया हुआ है कि क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो डिसोसिएट हो जाएगा, बेसिस पोजिशन देगा हमारे पास, जब वाटर में डिसोसिएट होगा इसकी पीएच मोर देन 7 होगी, मोर देन 7 हमेशा अल्कलाइन की होती है, तो वही बेसिक सॉल्यूशन का जो है वो पीएच ज़्यादा होगी। और अदर एग्जांपल इसकी CH3COOH NaCl3 और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये है हमारे पास जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है और वीक एसिड होता है N2CO3। अब हमारे पास है ना 168 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस। करेक्ट बेस की क्या है कि अबाउट द स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है, तो याद रखें कि इसका जो है ना वो बिटर टेस्ट होता ही है, इसकी पीएच वैल्यूज हाई होती है, मोर देन 7 होती है, एसिड की हमेशा लेस देन 7 होती है। ये रिएक्ट करता है एसिड से, हमारे पास फॉर्म बनाता है बेस, हमेशा एसिड से ही करेगा ना सॉल्ट बनाएगा, लेकिन दे टर्न ब्लू लिटमस रेड नहीं, ये जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम लिटमस पेपर पे एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है ना वो हमारे पास रेड को ब्लू में कर देता है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास इनकरेक्ट अबाउट बेसिस ये है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नंबर 9 है हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर हैज़ द डिफरेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 1 प्रोटॉन पेयर। हमारे पास क्या है कि आपकी बुक लाइन भी है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर में सिर्फ डिफरेंस होता है 1 प्रोटॉन का, मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ आपकी बुक से। 67 पे आपके पास दिया हुआ है कि कॉन्जुगेट पेयर जो है एसिड बेस का पेयर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है 2 स्पीसी का, एक जो लेफ्ट साइड पे होता है और एक होता है राइट साइड में, इक्वेशन में जो डिफरेंस होता है सिर्फ 1 प्रोटॉन का। लाइक जो है ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के पास वीक कॉन्जुगेट बेस होती है और वीक बेस के पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। H2S और NH3 का दिया हुआ है हमारे पास कि जो है वो हमारे पास क्या हुआ कि एक प्रोटॉन यहाँ पे चला गया और एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, कॉन्जुगेटेड बेस है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ से एसिड के पास से चला गया ना एक, तो प्रोटॉन का सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसमें। अब हमारे पास MCQ नंबर 10 है, लास्ट MCQ है कि सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस को ही हम मिला दें तो हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसे होगा। हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस में आपको यहाँ मैं दिखा दूँ
ये वीक ऐसे हो, वीक बेस पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी मोर देन 7 हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो कैटायन और एनायन का कितना है। तो लेस देन 7, मोर देन 7 और एग्जैक्टली 7 भी हो सकती है पीएच। और ये क्या होता है कि वीक ऐसे वीक बेस जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, कैटायन एनायन जो है वो वीक, मतलब कैटायन और एनायन जो है ना वो वीक बेस और वीक एसिड से ही आते हैं, और बोथ के पास एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोलाइसिस में जा सकें। तो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं ना वीक एसिड लेती हूँ तो वीक एसिड CH3COOH होता है, आपको पता होगा है ना। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं लूँ वीक बेस, तो वीक बेस जो है ना वो NH4OH होती है, सही है। तो मैं जब इनका रिएक्शन करवाऊँगी ना, तो मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो बनेगा CH3CNH4। और क्या होगा, हमारे पास जब एसिड बनते हैं तो आपको पता होगा कि वाटर जो है वो हमारे पास निकलता है, मस्टर्ड हमारे पास हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि ओ एच जो है ना, यहाँ से एच जो है वो हमारे पास निकला, और फिर यहाँ हमारे पास जो है वो क्या हुआ, हमारे पास एन एच फोर रिएक्ट कर गया, तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन गया और वाटर जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया, हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास जो है ना ये ऐसे होता है कि वीक बेस और वीक एसिड को करें कैसे। अब हमारे पास एन एच फोर ओ एच ही हम इसमें भी लेंगे, हमारे पास जो है ना एन एच फोर ओ एच हम इसको भी लेंगे, और इसमें सी एच थ्री सी ओ सी एन ले लेंगे, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो एन एच फोर सी एन बन जाएगा और एच टू ओ निकल आएगा, सॉरी एच ओ सी एन हम ले लेंगे, एच ओ सी एन लेंगे, सॉरी सी एच थ्री नहीं, एच ओ सी एन लेंगे। तो हमारे पास एच टू निकल आएगा और एन एच फोर सी एन बन जाएगा। तो ये होता है कि वीक एसिड और वीक बेस का जब हम करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। सो दैट्स इट। इफ एनी वन ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ यू लाइक